Hello friends, मैं चिराग स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल NX World Design। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टॉप होल्डर बार को कैसे कस्टमाइज करें और एनवायरनमेंट को एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में कैसे चेंज करें। तो इन सभी बाबतों को आज हमारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको रन करा लेते हैं। इसके बाद क्लिक ओके। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा है टॉप बॉर्डर बार कहते हैं इसे हम। तो इस टॉप बॉर्डर बार के राइट कोने पे आप देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन एरो है, वहां पे जाके क्लिक कर दीजिए। तो ये टॉप बॉर्डर बार के जितने भी कमांड थे वो यहाँ से आपको दिखाई दे जाते हैं। मैं आपको प्रिफर करूंगा ये सभी कमांड्स को आप सिलेक्ट करके रखें, क्योंकि इस सभी को हमारा तो क्योंकि इस सभी टूल्स को हम ज्यादा यूज में लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, या हमने कोई सिंपल सा ड्रॉइंग बना लेते हैं पहले। उसको थोड़ी सी हाइट दे देते हैं, जैसे मैंने कितनी इजी से एक रेक्टेंगुलर बना लिया। अगर अब आपको यहाँ से कोई दूसरा एजिस या कोई स्लॉट बनाना है तो आप पहले लाइन लेते हैं, उसके बाद आपको इसको सेंटर से लाइन चाहिए। तो आप देख सकते हैं उसने अपना सेंटर ले लिया। तो ये हमारा टॉगल बटन जो है उसकी मदद से काम हो रहा है जो टॉप बॉर्डर बार पे आ रहे हैं। अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरा बीच का मिडल पॉइंट नहीं ले पा रहा है इजी से। फिर से क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कितनी इजी से अपना सेंटर पॉइंट चूज कर सकता है। ये टॉप बॉर्डर बार पे एक रूलर का ऑप्शन है, जो रूलर का ऑप्शन है वो हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं 135 mm का हमारा ये रेक्टेंगुलर बना हुआ है। उसके बाद आता है शो एंड हाइट का। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट, हमने ऑल हमारा जो हमारी हिस्ट्री है पूरी की पूरी वो हमें गायब करनी है, उसको हाइट कर देना है। तो जैसे हाइट पे क्लिक करते हैं तो हमारी पूरी हिस्ट्री और हमारा जो भी हमारा एनवायरनमेंट में था सब हाइड हो गई। और शो करना है तो जस्ट प्लस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंट टूल्स, ये सभी ये हमारे ऑब्जेक्ट के शेडेड विथ एजेस, शेडेड वायर फ्रेम मॉडल हो गया, वायर फ्रेम मॉडल विथ हिडन एजेस और स्टेटिक वायर फ्रेम। तो हम पहले स्टेटिक पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं सिर्फ हमारा लाइन से बना हुआ मॉडल दिखाई दे रहा है। उसके बाद वायर फ्रेम विथ एजेस, तो आप देख सकते हैं सिर्फ हमारा वायर फ्रेम और हमें शेडेड व्यू चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारा शेडेड व्यू पे आ गया है और शेडेड व्यू में विद एजेस चाहिए। तो आप देख सकते हैं शेडेड व्यू विद एजेस। उसके बाद आता है कि डिफरेंट डिफरेंट व्यू को हम कब कहाँ से देखना है। तो हमें हम आइसोमेट्रिक ट्राइमेट्रिक व्यू को चूज करते हैं। जैसे हमने ट्राइमेट्रिक व्यू को चूज किया तो वही अपने आप वो व्यू दिखाने लगेगा। अब कैसा लगेगा उसके बारे में हम जान सकते हैं। अगर हमें उसका फ्रंट व्यू चाहिए तो जैसे फ्रंट पर क्लिक किया है हमारा फ्रंट व्यू हो गया। जैसे हमने आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक किया हमने आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। उसके बाद आता है व्यू एंड विड्थ का ऑप्शन। जैसे हमने कोई पार्ट पे ज्यादा जूम कर लिया, अब हमें वापस से हमारा ऑब्जेक्ट हमारे डिस्प्ले में चाहिए तो सिंपल से एक क्लिक में ही वो हमारा पार्ट डिस्प्ले में इजीली फिट हो गया। अगर हमें हमारे ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो ये सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए रोटेट का कमांड आएगा और क्लिक करते हैं इसे हम घुमा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। फिर आ गया पान का ऑप्शन। हमें पान का ऑप्शन की मदद से हम ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह
ले जा सकते हैं बंदों में। तो जैसे पान पर क्लिक करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट को वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा रहा हूँ। तो उसके बाद आता है जंक ऑप्शन। अगर हमें जंक ऑप्शन यूज़ करना है तो कोई भी पार्ट हो, कोई भी पार्ट के पर्टिकुलर पॉइंट पर जूम करना है, सिंपल सा उस पार्ट को हम कवर करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी इजी तरीके से उसने उस कॉर्नर पे जूम कर लिया। तो हम वापस एक बार फिट कर लेते हैं। तो जिस उस पार्ट पे स्केल हो गया है, सारे कमांड्स हो गए हैं, फिर ये टॉगल्स बटन हो गया, जिसका हम हमारे ड्राइंग में स्केच करने के लिए इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एनवायरनमेंट। अगर हमने हमारा पार्ट बना लिया, हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, अगर हमें असेंबली में जाना है तो क्या करना है, टूल्स, टूल्स में हम तो अगर हमने हमारा पार्ट कंप्लीट कर लिया उसके बाद हमें असेंबली में जाना है, तो असेंबली में जाने के लिए सपोज हम एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप मॉडलिंग पे क्लिक करते हैं तो मॉडलिंग की एप्लीकेशन आ जाती है। मॉडलिंग भी चलाए वापस एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे ड्राफ्टिंग की विंडो हमारे हाईलाइट हो गए। यहाँ पे सारे ड्राफ्टिंग के कमांड्स हाईलाइट होने लगे। हम वापस से कंट्रोल एम प्रेस करके मॉडलिंग के विंडो में आ गए। एप्लीकेशन में जाने के बाद शीट मेटल पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये शीट मेटल का पूरा एनवायरमेंट आ गया। वापस से कंट्रोल एम पे जाते हैं तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा मॉडलिंग का विंडो। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हो गया। वापस एप्लीकेशन में जाने के बाद स्टूडियो में आ जाते हैं तो हमारा तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में जाना चाहिए तो इस तरह से हम जा सकते हैं। वरना यहाँ से डिफरेंस यहाँ पे फाइल पे फाइल में आप देख सकते हैं इधर मॉडलिंग, शीट मेटल, ड्राफ्टिंग, एडवांस सिमुलेशन, मोशन सिमुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रेविटी, ये सभी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।